विद्युत का जो तंत्र, उसको वैसे इतनी आसानी से एक दिन में या दो दिन में तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको अध्ययन अच्छा करना पड़ेगा, इसके लिए कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और जहाँ कहीं भी अपन देखते हैं कि विद्युत की लाइनें बहुत सारी इधर उधर आ रही है, कहीं बड़ी लाइनें हैं, कहीं छोटी लाइनें हैं, कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहीं मोहल्ले में जो भी मोहल्ले के आगे भी जो लगा हुआ है, तो इस तरह से बहुत सारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, नेटवर्क इतना बड़ा है उसको समझने में काफ़ी समय लगता है। तो अभी एक बार फिर पुनः एक रिव्यू कर लेते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन मतलब प्रसारण विभाग और वितरण विभाग, मूल रूप से ये तीन पार्ट हो गए। जनरेटिंग स्टेशन है तो इसका अलग से एक चैप्टर है, जनरेशन कैसे होगा। वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसारण, ये एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है कि प्रसारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, विद्युत को पहुंचाना, उसकी दो विधियां, एक तो अंडरग्राउंड केबलिंग और दूसरी है ओवरहेड। तो अंडरग्राउंड केबलिंग में तो जो शॉर्ट में पहुंचानी है तब तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई किलोमीटर लंबी लाइन ले जानी है तो उसके लिए हम ओवरहेड लाइन का उपयोग करते हैं। और ओवरहेड लाइन जो सिर के ऊपर से जाने वाली ओवरहेड लाइन, इसमें काफ़ी फायदे हैं, नुकसान एक दो नुकसान हैं, बाकी फायदे बहुत हैं। तो ओवरहेड लाइन के लिए एक तो खंभे, अलग अलग रेंज के खंभे काम में लेते हैं, और इसमें अलग अलग तरह के इंसुलेटर लगते हैं। इसके बारे में जैसे अपने को अध्ययन करना है, इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं, पोल कितने प्रकार के होते हैं, और उनके द्वारा जो लाइन ली जाती है और लाइन पहुंचाई जाती है। चलिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं अपन, कि जैसे जनरेटिंग स्टेशन, वहाँ से बिजली पैदा हो गई और उसके बाद यहाँ से विद्युत को ट्रांसमिट किया गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है, तो वो कितनी दूरी है, किस किस स्टेज से होकर के गुजर रही है, और उसकी भी एक कैटेगरी हमने बना दी है, और कितने वोल्टेज तक की जो लाइन है उसको हम एक क्या नाम दिया है। तो इसके लिए अपन देखें, जैसे वोल्टेज का अलग अलग लाइनों का कैटेगरी बना दी है कि लो वोल्टेज लाइन, लो वोल्टेज लाइन है 250 वोल्ट से कम तक की, मीडियम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज जो है 650 वोल्ट तक के हैं, और हाई वोल्टेज लाइन है 11 केवी से 33 केवी तक की जो लाइन है उसको हम हाई वोल्टेज की कैटेगरी में लेते हैं, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब 33,000 वोल्ट से अधिक की जो लाइन है, 132,000 वोल्ट या 220 केवी मतलब 220,000 वोल्ट की जो लाइनें होती है उसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन कहते हैं। इनके आधार पर इनके पोल, इनके इंसुलेटर, इनके कंडक्टर, वो अलग अलग काम में लिए जाते हैं, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। अब इन लाइनों के लिए जो दूरियां एक निश्चित कर दी हैं, तो वितरण की जो लाइनें हैं उसमें भी एक डिस्टेंस है, अगर आपको कम दूरी पर अगर ले जानी है लाइनें, कम दूरी वाली हैं तो उसको लो डिस्टेंस वाली ट्रांसमिशन लाइन, और उसमें एक वोल्टेज भी जैसे उससे कम लेस देन 20 किलो वोल्ट मतलब 11 केवी की जो लाइन है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लो डिस्टेंस, और वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर की दूरी तक ही आप कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो इस तरह की जो लाइनें हैं उनको अपन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में लेते हैं, और उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मध्यम प्रसारण लाइनें, जैसे कि आपकी ये 20 किलो वोल्ट से लेकर के 100 किलो वोल्ट 33 केवी की लाइनें हैं या 66 केवी की लाइनें हैं, तो वो जो मीडियम प्रसारण लाइन कहलाएगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है जो 50 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तक ली जाएगी, वहाँ तक आपको बिछाई जाती है। उसके बाद अगर आपके 100 किलो वोल्ट से अधिक है, 132 केवी है या 220 केवी है, और दूरी आपकी 150 किलोमीटर से अधिक लंबाई है, इतनी दूर पर आपको विद्युत पहुँचानी है, तो पड़ गया कि वोल्टेज जो लाइनें हैं उसके प्रकार देख लिया आपने कि लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और इसके अलावा शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें हमारे पास में हैं। तो अभी अपन देखें, स्टार्ट करें कि जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन से लाइन जो आ रही है वो कई किलोमीटर है,
और इसमें जो वोल्टेज है 11 केवी जनरेटर ने पैदा किए, उसको हमने स्टेप अप करके 132 केवी कर दिया। इसका मतलब ये लाइन जो हो गई आपकी हाई वोल्टेज की लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये लाइन हमारी यहाँ से निकल रही है। अभी हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है और इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो हमारे पास में जो लाइन है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन यहाँ से आ रही है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वहाँ से निकले वो कहाँ तक जाते हैं, इसके लिए एक स्टेशन बन गया जिसे हम कहते हैं GSS। इसका पूरा नाम है ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन। अब ये ग्रिड सब स्टेशन है जो जनरेटिंग स्टेशन से जो लाइन निकली है 132 केवी या 220 केवी, तो GSS हो गया आपका 132 केवी का, या अथवा 220 केवी, 220 किलोवोल्ट का GSS या 132 केवी का GSS जो जनरेटिंग स्टेशन से लाइन निकलती है वो सीधी GSS पे जाती है, ग्रिड सब स्टेशन। इसका जो नाम कह दिया ग्रिड सब स्टेशन, जैसे ये वाला स्थान है ये आपका हो गया GSS। अब इस GSS पर एक अल्टरनेटर से आने वाली सप्लाई है या फिर एक से अधिक अल्टरनेटर, हमारा पावर स्टेशन एक से अधिक है, तो उसकी लाइन भी यहाँ ग्रिड सब स्टेशन पर आएगी और वहीं से अलग अलग शाखाओं में निकलेगी जिसे हम फीडर कहते हैं। फीडर वो है कि जहाँ से लाइन हमारी दूसरे GSS को दी जाती है या फिर उससे अलग जो लाइन डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती है उसे हम फीडर कहते हैं। अगर मान लो ये स्टेशन है ग्रिड सब स्टेशन, वहाँ पर भार अधिक है, उस GSS का भार अधिक है, तो एक से दो GSS बना देंगे अलग क्षेत्र में, जहाँ पर जैसे मान लो कोई हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये 132 केवी के एक से अधिक GSS बना देंगे उस क्षेत्र में ताकि उसका नियंत्रण हो सके। तो GSS का कार्य है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है वो उस ग्रिड सब स्टेशन पर पहुँचेगी, वहाँ से अलग अलग एरियों में वितरित की जाती, और अगर मान लो कोई इंडस्ट्रीज है तो उसको देनी है तो वहाँ उसका अलग से सब स्टेशन होगा, उसको भी दी जाएगी। तो वो सब जो शाखाएं जो निकल रही हैं उसे हम फीडर कहते हैं। तो ये एक फीडर, ये दूसरा फीडर, ये तीसरा फीडर, ऐसे एक से अधिक कई फीडर बनेंगे जो अलग अलग GSS पर जाते हैं। तो ये स्टेशन हो गया ग्रिड सब स्टेशन। अब वहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन का अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, ग्रिड सब स्टेशन का एक डायग्राम अपन और बनाएंगे और प्रैक्टिकली भी देखते हैं, बहुत सारे खंभे होंगे, उसमें बस बार लगी होगी, और ग्रिड सब स्टेशन पर इसके लिए एक नियंत्रण करने के लिए भी होगा, एक एक ब्रेकर लगा होगा और साथ में CTPT लगा करके ना उस फीडर के ऊपर कितनी लाइन जा रही है, कितने विद्युत वितरण की गई, उसका रिकॉर्ड करने के लिए CTPT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा अपन उसकी करंट और उसकी एनर्जी जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये हमारा काम होता है GSS का। GSS 132 केवी भी होता है और 220 केवी भी होता है, जो हाई उच्च है, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के GSS बने हुए हैं। तो मेन जो लाइन हमारी आई वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज GSS पे चली गई, उसके बाद वहाँ से अलग 233 केवी की लाइन है। नेक्स्ट जो 33 केवी की जो लाइन होगी वो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन, वो अलग अलग शहरों में जाएगी, वहाँ पर भी एक 33 केवी का GSS बन जाएगा, 33 केवी GSS, 33 केवी GSS होगा, वो अलग अलग उस शहर का होगा। 33 केवी के बाद फिर 11 केवी जो गली मोहल्लों में जाएगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपने अपने घर तक लाइन जो जाती है। अब इन सारे सिस्टम के बीच में पोल अलग अलग काम में लेते हैं, उसकी दूरी अलग अलग काम में होती है। तो जैसे ही आपने डिस्टेंस बताई 50 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लो ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उससे अधिक 50 से 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर से अधिक जो है वो उच्च वोल्टेज की जो लाइन है वो लंबी दूरी के लिए लाइन भेजी जाती है।
इसे हम कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि ओवरहेड लाइन जो है उसमें खंभे, अलग अलग प्रकार के खंभे काम में लेते हैं, और उन खंभों के साथ कुछ और सामग्रियां जो लगती हैं, जैसे इंसुलेटर लगते हैं और चालक लगता है, जिसमें ओवरहेड में मोस्टली जो चालक लगता है वो ACSR कंडक्टर होता है। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ACSR इस प्रकार का जो चालक स्पेशल अपन काम में लेते हैं। इसके जॉइंट्स भी आएंगे और इसके पोल के ऊपर लगने वाले इंसुलेटर, इसके बारे में अपन आगे अध्ययन कर। हेड के अंदर वैसे काफ़ी फायदे हैं, सस्ती पड़ती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अंडरग्राउंड महंगी पड़ती है इसलिए अंडरग्राउंड का उपयोग कम करते हैं, और ओवरहेड भी ज़्यादा काम में लेते हैं। जो ओवरहेड में जो काम में आता है, एक तो चालक, ओवरहेड के लिए चालक ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये इसका पूरा नाम है ACSR कंडक्टर, और इसको बांधने के लिए इंसुलेटर और इसका जॉइंट लगाने के लिए जॉइंटर, स्लीव जॉइंट और ट्विस्टेड कंप्रेस्ड करके जॉइंट लगाए जाते हैं। तो इस तरह के जो कंडक्टर ओवरहेड में काम में लिए जाते हैं ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो बाहर तो एल्यूमिनियम रहता है, बीच में सेंटर में एक स्टील का तार होता है जो उसका टेंशन बढ़ाता है, तार टूटे नहीं उसकी तनन सामर्थ्य टेंशन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक स्टील का तार होता है, स्टील और रेनफोर्स्ड मतलब चारों ओर से एल्यूमिनियम लपेटा हुआ। तो ये तो होता है आपका चालक। और खंभे जो अधिकतर अपन देखते हैं आसपास, हमारे आसपास के चारों एरिए में, चारों ओर देखते हैं कि क्षेत्र में बहुत सारे पोल अलग अलग वेराइटी के, कोई छोटा हो कोई बड़ा है, कोई टावर भी है, तो इनमें लकड़ी के जो बहुत पुराना प्रचलन हो गया, बहुत पहले चलते थे, अभी इसका उपयोग बहुत ही कम, नहीं के बराबर होता है, इसका उपयोग बहुत कम होता है। जो पहले लकड़ी के जो खंभे आते थे वो 40 से 50 मीटर की दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी को कहते हैं अपन स्पान, स्पान मतलब दो खंभों के बीच की जो दूरी है 40 से 50 मीटर की दूरी, और स्टील ट्यूबलर उसे 50 से 80 मीटर, और RCC सीमेंट कंक्रीट का जो पोल है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो 60 से 100 मीटर तक की डिस्टेंस पर लगाए जा सकते हैं, और स्टील टावर जो बहुत ही हाई वोल्टेज है, लंबी दूरी के लिए अगर लाइन को ट्रांसमिट करना है तो स्टील टावर काम में लेते हैं, जो 100 से 300 मीटर की दूरी पर इसको लगाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके खंभे। अब खंभों के ऊपर एक क्रॉस आर्म होगा और उसके ऊपर इंसुलेटर होगा जिसके ऊपर ये तार को बांधा जाता है ACSR कनेक्टर। तो इंसुलेटर कितने प्रकार के हैं ये अपन देखते हैं, पिन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, इस तरह के। तो अपन देखते हैं अपन इंसुलेटर पोल है कि चालक और पोल के बीच में इंसुलेशन बनाए रखना और लंबे समय तक बनाए रखना, तो ये पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, इंसुलेटेड एकदम हाई क्वालिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इंसुलेटर बनाए जाते हैं, और उनको एकदम चमकीला सतह ऊपर ग्लेजिंग किया जाता है। ग्लेजिंग करने का मतलब ये कि इसके ऊपर जो बारिश का जो पानी वगैरह है तो पानी ठहरे नहीं, उसके ऊपर कोई ऐसा पानी की रुकावट, ये ठहर जाए तो फिर वो लीकेज कर सकता है, इसलिए पानी ठहरे नहीं इसके लिए इंसुलेशन के ऊपर अच्छी चमकदार परत की एक लेयर चढ़ाई जाती है, और ये पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर ये सहारा देने का काम करता है, जैसे आपका जो खंभे से जो लाइन जा रही है तो उसको सपोर्ट करना, जो सीधी लाइन जा रही है उसको सपोर्ट करके रखना है पिन इंसुलेटर। वो अलग अलग वेराइटी के, जैसे सिंगल स्टेज है, डबल स्टेज है, ट्रिपल स्टेज है, तो ट्रिपल शेड जो हाई टेंशन की है तो ट्रिपल शेड, उससे लो वोल्टेज होती है, इससे लो वोल्टेज होती है, सिंगल, तो सिंगल डबल और ट्रिपल शेड की ये पिन इंसुलेटर बनाए जाते हैं। आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो आइडिया लग जाएगा, अपन विजिट करेंगे उस समय। उसके बाद दूसरा आता है शेकल इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर जिसकी गर्दन इस टाइप से रहती है और इसके बीच में से वायर बांधा जाता है, और शेकल इंसुलेटर का काम है कि लाइन को कहीं टर्न हो रही है, लाइन अगर कहीं मुड़ रही है या स्टार्टिंग में और एंडिंग में शेकल इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी लाइन स्टार्ट होती है तो शेकल इंसुलेटर होगा, एंडिंग में शेकल इंसुलेटर होगा, कहीं मोड़ आता है तो शेकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बीच में से वायर को बांधा जाता है, वायर को कैसे बांधते हैं वो अपन प्रैक्टिकल देख लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट हाई वोल्टेज के लिए सस्पेंशन टाइप, मतलब लटकने वाले, तो पोल के ऊपर जो क्रॉस आर्म होगी, क्रॉस आर्म के साथ में
ये इंसुलेटर लटका दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसके डिस्कों की संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है। डिस्कों की संख्या एक्सटेंशन करनी है, आपको डिस्टेंस बढ़ानी है, दो कंडक्टरों के बीच की दूरी आपको बढ़ानी है तो ये एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो ये सस्पेंशन टाइप लटकने वाले इंसुलेटर, और एक और होता है स्टे इंसुलेटर जो खंभे को सहारा देता है। तो खंभे को सहारा देने के लिए एक पोर्शन तो ज़मीन में रहेगा, दूसरा खंभे के टॉप सिरे पर, हो सकता है कहीं लीकेज करंट इसमें आ नहीं जाए, इसके लिए बीच में एक इंसुलेटर लगाते हैं खंभे और ग्राउंड में जो रोड, इसको जो टेंशन देने के लिए, उसको खंभे को रोकने के लिए जो स्टे वायर होगा, उस स्टे वायर के साथ एक इंसुलेटर होता है जिसे हम स्टे इंसुलेटर कहते हैं। इसमें दो साइड से अलग अलग ऐसे छेद बने होंगे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट नहीं हो, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें और बीच में ये इंसुलेटर लगाया गया है। तो ये हुआ आपका स्टे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर समझ गया अच्छी तरह, देख के आपको आइडिया लग जाएगा और जब अपन देखेंगे तो इंसुलेटर पहचान लेंगे और उसको बांधने का तरीका, जैसे पिन इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर में ये ग्रूव बना हुआ है ऊपर टॉप में, तो इसमें टॉप में वायर रन करेगा और इसके गर्दन से एक बाइंडिंग वायर से उसको बांधा जाता है। जबकि सेकल इंसुलेटर में इसके मिडल में से तार जाता है और उसको साइड से बांधा जाता है। और सस्पेंशन टाइप में ऊपर का जो हिस्सा है वो नट बोल्ट से क्रॉस आर्म पर फिट हो जाता है और इसका नीचे का हिस्सा एक डिस्क, दो डिस्क, तीन चार जितनी भी आवश्यकता है उतनी डिस्क लगाने के बाद लास्ट वाली जो डिस्क रहेगी उसमें से कंडक्टर को बांधा जाता है जहां इसमें हुक बने रहेंगे। तो ये एक्सटेंशन होने वाले लटकने वाले सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो हाई टेंशन लाइन के लिए काम में लिए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये सारा जो इंसुलेटर लगे हुए हैं और पोल लगे हैं, ये सारा जीएसएस के ऊपर, बाकी तो जैसे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है अपन देखते ही हैं, अपने आसपास क्षेत्र में सारे देख ही रहे हैं। अब सपोज़ मान लो अपन जीएसएस में जाते हैं ग्रिड सब स्टेशन, उसमें बहुत सारे खंभे लगे रहते हैं, बहुत सारे खंभे, अपन देख के घबरा जाते हैं कि ये देखें क्या है, खंभे कहाँ से लाइन आ रही है, कहाँ से जा रही है, मालूम नहीं पड़ता है। तो GSS का एक लेआउट डायग्राम बना करके अपन देखते हैं कि GSS ग्रिड सब स्टेशन होता कैसा है और उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ग्रिड सब स्टेशन में होता क्या है, ग्रिड सब स्टेशन में बहुत सारी जो ओवरहेड लाइनें जितनी आ रही हैं उन सब पे अलग अलग जंक्शन बना करके ना लाइनें अलग अलग वितरण की जाती है, तो वो एकदम पूरा सा जाल जैसा दिखता है, बहुत बड़ा स्टेशन दिखता है और काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र उसमें कवर किया रहता है। अपन देखते हैं कि बहुत सारे जगह जगह खंभे लगे हैं, तो GSS पूरा पावर हाउस ही कहते हैं उसको जनरल लोकल भाषा में, तो लेकिन उसका नियंत्रण है लाइन जहाँ से आ रही है और लाइनों को कहाँ भेजना है। तो सबसे पहले अपन देखें कि यहाँ पर जैसे दो इनकमिंग लाइनें यहाँ दे रखी हैं, दो इनकमिंग लाइनों के साथ एक सीटी लगा रखी है, सीटी और ब्रेकर लगे रहते हैं जो अगर आपातकालीन स्थिति में या कोई कारणवश प्रॉब्लम आ जाती है तो ये ब्रेकर हटा करके लाइन को डिसकनेक्ट किया जा सकता है। तो हर लाइन के साथ जैसे ब्रेकर, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, अलग अलग प्रकार के ब्रेकर होते हैं। तो इसमें ये दो लाइनें जो दिख रखी हैं वो बस बार उसको ये कहते हैं कि बस बार का मतलब लाइनों को जहां से कनेक्ट करना और वहां से फिर आउटपुट लेना। तो बस बार ऐसी जगह है जहां इनकमिंग लाइन आ रही है वो जुड़ रही है और यहीं से उपभोग में लेने वाले, काम में लेने वाले, अपन जो कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ से ही लाइन आपको ली जाती है। तो उन सब के बीच में अलग अलग प्रोटेक्शन रखने के लिए ब्रेकर लगे रहते हैं जगह जगह, ये सारे जितने भी हैं ये सब ब्रेकर हैं, कब लाइन को जोड़ना है, कब लाइन को काटना है। तो जैसे ही लाइन काटी है तो पूरी बस बार डेड हो जाती है और जोड़ दी तो पूरी बस बार चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद एक बस बार 220 केवी की है, उसके बाद जीएसएस के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ऐसे एक या अधिक, एक से अधिक भी हो सकते हैं कई, तो वो भार पे डिपेंड करता है कि अगर आपका भार बहुत ज़्यादा है और हैवी स्टेशन है तो उसके ऊपर दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर भी लगा करके अलग अलग वितरण की व्यवस्था की जाती है जो ट्रांसमिट लाइन। अब उसमें 220 से 132 केवी की लाइन के बड़े ट्रांसफार्मर लगा करके 132 केवी की लाइन आउटपुट ली जाती है, उसके ऊपर फिर एक बस बार बनाई जाती है। जो अगर कंज्यूमर 132 केवी की लाइन चाहता है, अगर मान लो कोई हैवी इंडस्ट्रीज है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें 132 केवी की लाइन चाहिए, वो खुद का ट्रांसफार्मर लगा करके ना अपनी अपनी इंडस्ट्री चलाएगा, तो उसकी लाइन देने के लिए अलग अलग
ये फीडर जहाँ से लाइन दी जाती है उसको फीडर कहते हैं, तो अलग अलग फीडर निकले होंगे। और इसी के साथ अगर आपके क्षेत्र में 33 केवी की लाइन देनी है, जो नज़दीक के गांव है वहाँ से उस क्षेत्र में लाइन पहुँचानी है, तो वहाँ एक ट्रांसफार्मर 132-33 केवी का डाउन करके फिर 132-33 करके 33 केवी का बस बार एक और बनाया जाता है, जो बस बार से आपको अलग अलग 33 केवी के फीडर दिए जाते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है वो ग्रिड सब स्टेशन का जो काम है और पूरे तंत्र को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है, आवश्यकता पड़ने पर लाइन को काटना, अगर आगे भार ज़्यादा हो गया अलग अलग एरिया की लाइन को काटना है, कहीं मेंटेनेंस करने के लिए लाइन को काटना है, कोई फॉल्ट आ जाता है तो लाइन को काटना है और वापस सुधारने के बाद उसको वापस जोड़ना, ये सारा काम GSS पे होता है, ग्रिड सबस्टेशन। तो ग्रिड सबस्टेशन का मतलब हो गया आपका जहाँ से लाइन आती है और यहाँ से कंज्यूम होने के लिए जो लाइनें जा रही हैं उन सब का नियंत्रण करना, वो कहलाता है आपका GSS, ग्रिड सबस्टेशन। इसके बाद जैसे अपन प्रैक्टिकली हम फील्ड में जाकर के देखेंगे ग्रिड सबस्टेशन होता क्या है, किस टाइप का होता है, देखने के बाद तो आपको लगेगा कि बहुत सारे पोल आ रहे हैं और खंभों से मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ से लाइनें आ रही हैं। तो ग्रिड सबस्टेशन में जो ओवरहेड लाइनें हैं तो उसमें ओवरहेड की बस बार होगी, उस अनुसार 220 की है तो 220 केवी के हिसाब से दो चालकों के बीच की दूरी होगी तो उतना एरिया उसका कवर करेगा। अगर मान लो 132 केवी है तो उनके चालकों के बीच में इतनी डिस्टेंस रखनी है, उसके साथ सुरक्षा उपकरण भी लगाने हैं, जैसे ब्रेकर लगाना है, ब्रेकर के साथ CTPT करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाना है जहाँ से उसकी करंट को मेज़र किया जा सके। इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक लाइटिंग अरेस्टर भी लगे होते हैं, अगर आसमानी बिजली अगर उसकी गिरती है तो कोई नुकसान नहीं हो, तो लाइटिंग अरेस्टर वगैरह सारी चीज़ें इसमें सुरक्षा उपाय सारे लगे रहते हैं। तो ये सारा अभी अपन एक GSS का विजिट करेंगे, उस विजिट में अपन देख लेंगे कि GSS होता कैसा है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम। ये एक जनरल सिंगल लाइन डायग्राम है जहाँ से 220 की लाइन का बस बार ऐसा होता है, उसके बाद 132 की बस बार है तो अलग अलग फीडर निकले होंगे, उसके बाद 33 का तो हर जगह डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा करके और अलग अलग बस बार बना करके, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो है पूरा ये नेटवर्क है उसको वितरण किया जाता है